नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुगली स्टूडियो में। फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, आई एम जस्ट अगेन विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी नर्सिस डे ऑन दिस 12th May। फ्रेंड्स, यू आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशन। You are a frontline warriors, because these are taglines for you. Today, before some time ago, the global leader PM Narendra Modi addresses our nation. अभी कुछ ही समय पहले global leader नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे देश को address किया गया। और दोस्तों, दे गिव अस टू इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। आज 12th May को उन्होंने हमें दो बहुत महत्वपूर्ण मैसेजेस दिए हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण मैसेजेस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला मैसेज दोस्त, उन्होंने कहा है, वी नीड सेल्फ डिपेंडेंसी इन फ्यूचर। फ्यूचर में हमें सेल्फ डिपेंडेंसी की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो पहली चीज जो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है, द रिक्वेस्ट फॉर टू थिंग्स इन फ्यूचर। फर्स्ट थिंग, द रिक्वेस्ट फॉर सेल्फ डिपेंडेंसी, एंड सेकंड थिंग, द रिक्वेस्ट फॉर अस यूज इंडियन प्रोडक्ट्स। दोस्तों, उन्होंने दो ही चीजों के लिए कहा है। सबसे पहला हमसे बोला है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करें, इन्हें प्रमोट करें, और चाहे आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी गांव में रहते हो, या इंडिया के या फॉरेन में आप कहीं भी रहते हैं, यदि अगर आप इंडियन हैं तो हमें सेल्फ डिपेंड बनना है। तो दोस्त, ये दो ही मैसेज ऐसे मैसेजेस हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को फ्यूचर में सुदृढ़ ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी भी बना करके रख देंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा इन दोनों बातों को लोगों को समझाना है, और खुद भी फॉलो करना है और दूसरों को भी सिखाना है। तो प्यारे साथियों, याद रहे, फर्स्ट थिंग सेल्फ डिपेंडेंसी, एंड सेकंड थिंग इज दैट यूज इंडियन प्रोडक्ट्स। अष्टी, ये दो बातें ऐसी होगी हमारी लाइफ के अंदर जो हमें सुदृढ़ के साथ साथ विश्वव्यापी बनाएगी। ये 21वीं सदी है, और 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनेगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और हम सबको इसके अंदर अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग, पिछले लेक्चर में हमने सीखा हाउ टू इंसर्ट द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, हाउ टू कनेक्ट द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम विद द पेशेंट। पेशेंट के साथ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को कैसे कनेक्ट किया जाता है। दोस्त, इस शाम वाले इवनिंग लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे, कनेक्ट करना तो हमने सीख लिया, बट जब तक पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और इसीलिए इस 12th May को भी मैंने रेस्ट करने से ज्यादा उचित समझा आपका लेक्चर लेना। और इसलिए दोस्त, हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे कि जो चेस्ट ट्यूब सिस्टम्स को हमने पेशेंट से कनेक्ट किया था, उसे रिमूव भी करना है, और रिमूव किस तरह से किया जाता है, और कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। वन मोर गुड न्यूज फॉर यू, एक और गुड न्यूज है आपके लिए। आज के इस लेक्चर का टेस्ट, लेक्चर कंप्लीट होते ही विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपकी अपनी वुगली ऐप के ऊपर अपडेट हो जाएगा। लेक्चर जैसे ही पूरा होगा, 5 मिनट के अंदर टेस्ट आ जाएगा। उस टेस्ट पेपर को आप जरूर पूरा लेक्चर ध्यान से पढ़ें, और टेस्ट के क्वेश्चंस को
बहुत अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट करिएगा, सीखिएगा। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इस तरीके से आगे बढ़ाना, आपके लर्निंग एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करना। अंडरस्टैंड गाइस? तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब्स, चेस्ट ट्यूब्स का रिमूवल। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से चेस्ट ट्यूब्स को रिमूव किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल, आर यू रेडी? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, बात समझ के हम लोग तैयार हैं? तो देखिएगा दोस्त, समझते हैं। रिमूवल ऑफ चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स इन द एसेप्टिक मैनर आफ्टर आफ्टर फुल लंग्स एक्सपेंशन हैज टेक प्लेस। तो फर्स्ट बात तो आप ये याद रखिएगा दोस्त कि चेस्ट ट्यूब्स को रिमूवल कब किया जाएगा, जब हमने चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट किया था तो हमारा पर्पस था लंग्स का फुल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, हमारा पर्पस था फुल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, लंग्स रिगेन द फुल एक्सपेंशन। दोस्त जब लंग्स का फुल एक्सपेंशन वापस आ जाएगा तब हम चेस्ट ट्यूब्स को रिमूव कर देंगे। तो चेस्ट ट्यूब रिमूव कब किया जाता है, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। अरे भाई बोलो, बात समझ गए क्या यार? क्लियर ही तो दिख रहा है यार मौर्या, कौन सी क्वालिटी बढ़ाने की बात कर रहे हो आप लोग? क्यों नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है यार अच्छे से सब कुछ। सब तो ठीक ही आ रहा है, तुम अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाओ यार। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल लंग्स एक्सपेंशन हैज अचीव्ड, दैट इज एक्सपेक्टेड आउटकम। यदि हमसे कहा जाए दोस्त कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था, तो आप कहेंगे व्हेन द लंग्स रीगेन द फुल एक्सपेंशन। क्लियर? व्हाट आर्टिकल्स वी नीड, कौन से आर्टिकल्स हमें आवश्यक होंगे दोस्त जब हम चेस्ट ट्यूब्स को रिमूव करने जाएंगे? तो फर्स्ट सूचर रिमूवल सेट, याद है ना अपने सूचर्स, चेस्ट इंसर्शन साइट पर, ट्यूब इंसर्शन साइट पर सूचर्स जो लगे हुए हैं। तो फर्स्ट थिंग वी नीड सूचर रिमूवल सेट, सेकंड ड्रेसिंग सेट, पेट्रोलियम ऑन द गोज पीस, देन 4x4 गोज ड्रेसिंग, डिस्पोजेबल वाटरप्रूफ एब्सॉर्बिंग पेड्स, चेस्ट ट्यूब क्लैम्प्स, देन क्लीन ट्रे, क्लीन ट्रे क्या क्या क्लीन ट्रे के अंदर होना चाहिए, तो स्टेराइल डिस्पोजेबल ग्लव्स, चेस्ट ट्यूब क्लैंप, पोविडोन आयोडीन, नॉर्मल सलाइन, इथर, एडहेसिव टैप, इलास्टिक बैंडेज, सीजर और किडनी ट्रे। ये जनरल आर्टिकल्स हैं दोस्त जो हम ड्रेसिंग, एक तो हमें क्या क्या रिमूव करना है आइए जानते हैं। तो जब हम चेस्ट ट्यूब्स को, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को पेशेंट से डिस्कनेक्ट जाएंगे करने जाएंगे तो हमें क्या क्या डिस्कनेक्ट करना है, बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको इस बात को बताता हूं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सूचर, सूचर तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, सूचर सेट चाहिए। सेकेंड थिंग ड्रेसिंग, तो जैसे ही जाओगे वहां ड्रेसिंग है, एडहेसिव ऑक्लूसिव ड्रेसिंग है, उसको रिमूव करना है तो उसके आर्टिकल चाहिए। रिमूव करने के बाद आपको वहां पर ऑक्लूसिव ड्रेसिंग मेंटेन करना है तो ये सब आपको ड्रेसिंग सेट चाहिए। देन चेस्ट ट्यूब क्लैंप की आवश्यकता होगी, अस्टेन रिमूव करने से पहले हम क्लैंप करते हैं तो क्लैंप सेट चाहिए। देन दोस्त क्लीन ट्रे के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए ये सब करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक होगा वो क्लीन ट्रे के अंदर होना चाहिए। तो हमें आवश्यक होगा चेस्ट ट्यूब क्लैंप, पोविडोन आयोडीन, एनएस, इथर, एडेसिव, इलास्टिक बैंडेज, सीजर और किडनी ट्रे और ग्लव्स, ये सब हमारे पास होने चाहिए। दोस्त ये हमारे क्लिनिकल टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम हॉस्पिटल के अंदर वर्क करते हैं और अपने आप को इन्फेक्शन फ्री मेंटेन करते हैं।
आइए जानते हैं क्या प्रोसीजर होता है चेस्ट ट्यूब्स रिमूव करने का. एंश्योर दैट लंग्स एक्सपेंशन इज कंप्लीट बाय नोटिंग द साइन. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि मैं कहूं इस लेक्चर का, तो ये दोस्त ध्यान रखिए, इस लेक्चर का वीआईपी क्वेश्चन है जो आपको बहुत बहुत कंसंट्रेशन से सुनना होगा. देखकर इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा. अगर आप देखो, इतना इजीली देखने से समझ में नहीं आएगा. आपको सारे क्वेश्चंस कब पता चलेंगे? जब मैं समझा करके आपको इन क्वेश्चंस से फैमिलियर कर दूंगा, उसके बाद दोस्त आपको ये सारे क्वेश्चंस का पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पुटअप होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट यार. अरे भाई, हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, ये बात हमें समझ में आना चाहिए. तो अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगाने का जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है वो है लंग्स का फुल एक्सपेंशन, रिगेन होना. अब हम कुछ ऐसे साइन बता रहे हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि लंग्स एक्सपेंशन, फुल लंग्स एक्सपेंशन इज रिगेन. अब हम पहला क्वेश्चन आपसे ये करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम का. दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे कि कौन से ऐसे असेसमेंट होंगे बॉडी के अंदर, ऐसे साइन होंगे, दे कंफर्म दैट लंग्स रिगेन द फुल एक्सपेंशन. ओके दोस्त, बात समझ गए ना बच्चों? यार बोलो यार, बात समझ गए? तो मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि वो कौन से साइन होते हैं जिनके आधार पर हम ये कंफर्म करते हैं कि लंग्स का फुल एक्सपेंशन हो चुका है, अब चेस्ट ट्यूब रिमूव करनी पड़ेगी. तो दोस्त ध्यान रखना यार, पहला, चेस्ट एक्सरे रिवील्स द टोटल लंग्स री एक्सपेंशन. पहली बात तो चेस्ट एक्सरे ये कह दे, बयां कर दे कि लंग्स का फुल री एक्सपेंशन हो चुका है. कंफर्म हो गई बात? पहली बात. तो दूसरी बात, वाटर सील फ्लक्चुएशन हैज स्टॉप फॉर 24 hours. दोस्त दूसरा बहुत बेहतरीन इंडिकेटर होगा कि जो वाटर सील चैम्बर है उसमें पिछले 24 घंटे से वाटर का फ्लक्चुएशन बंद हो गया है. यदि वाटर का फ्लक्चुएशन बंद हो गया है, मतलब ये कंफर्म करता है कि लंग्स रिगेन द फुल एक्सपेंशन. तो व्हाट इज सेकंड थिंग? तो दूसरी बात होगी दोस्त, वाटर फ्लक्चुएशन हैज स्टॉप फॉर 24 आवर. नंबर थर्ड असेसमेंट इज दैट ड्रेनेज इज डिक्रीज्ड टू लेस देन 50 ml पर डे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त. ये जो बता रहा हूं, ये सब वीआईपी क्वेश्चन से बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन से, इतनी इजीली कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है. ये जो लेक्चर्स अभी स्किल के अंदर हमने सीखे हैं, ये लेक्चर्स आपको जीरो से हीरो कब बना देंगे, इस बात की जानकारी और एहसास अभी आपको नहीं है. लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको जरूर एहसास होगा कि सर ने हमें कुछ बात बोली थी पढ़ते टाइम. याद आएगी मेरी बात कि सर ने हमें कुछ बात कही थी. दिल्ली एम्स ऐसे ही नए क्वेश्चंस को लेके आएगा. और अभी जो हमने स्किल में सीखा है दोस्त, स्किल वाले कोर्स के अंदर, इस पूरे कोर्स में हमने वो सीखा है जो आने वाले 5 years में पूछा जाएगा, आने वाले 5 साल के जो एग्जाम्स होंगे उनमें पूछा जाएगा. तो आप, इवन मैं शॉर्ट में कहूं तो आप दुनिया की दौड़ से 5 साल आगे चल रहे हो. आप सारे प्रिपरेशन करने वाले कॉम्पिटिटर एस्पायरेंट्स की तुलना में 5 साल आगे हो. 5 साल, खुशी की बात है ना. नर्सिस डे 12 मई को इससे बड़ा तोहफा नर्सिंग प्रोफेशन को और अगर मैं दे सकता था तो जरूर देता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा तोहफा है, इस गिफ्ट है इस प्रोफेशन को. अस्टेन, तो दोस्त हमने कहा कि हम ट्यूब्स को रिमूव करने के लिए डिसाइड करेंगे तो वो कौन सी बातों से कंफर्म होता है.
सबसे पहला पहली बात हमने कहा कि साहब ध्यान देना बात को फिर से। यार बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप यू आर टाइम कंज्यूमिंग। अरे यार जब तक टाइम ना लगे किसी चीज में तो उस चीज को करने में कोई मजा ही नहीं है। अस्टिन तो सीरियसली आप सही कहते हो, आई एम टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन मेरे साथ अगर आप पढ़ते हो तो मजा तो आएगा ही सही, लेकिन साथ के साथ कब आप बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगे यार पता ही नहीं चलेगा। राइट, इज वेरी फनी, इज वेरी एंटरटेनिंग, इज वेरी नॉलेजेबल लेक्चर्स, एवरीथिंग शुड बी एक्सीलेंट। टाइम कंज्यूमिंग, उन बोरियत लोगों को टाइम कंज्यूमिंग लगता है जो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सैड है, बहुत परेशान है लाइफ से। अरे यार ऐसे लोगों को क्या सिखाया जाए, अंडरस्टैंड। तो आप तो सब काफी इनोसेंट बंदे हैं और आप सब तो जानते ही होंगे कि साहू सर तो टाइम लेकर के ही पढ़ाते हैं, अंडरस्टैंड। और टाइम लेके अगर कोई बात को सिखाया जाए तो उसका मजा कुछ और ही होता है, अंडरस्टैंड दोस्तों। तो चलिएगा, सबसे पहली बात मैं कहता हूं कि आपको हम सिखा रहे हैं कि एंश्योर दैट लंग्स री एक्सपेंशन इज कंप्लीट बाय नोटिंग द साइन। वो कौन से साइन होते हैं जिनके आधार पर हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि लंग्स का री एक्सपेंशन हो चुका है, ट्यूब्स हटाने की आवश्यकता आ गई है। तो पहली चीज क्या होगी दोस्तों, सबसे पहला परिवर्तन तो हम देखेंगे एक्सरे के अंदर, हमें लंग्स का फुल एक्सपेंशन नजर आने लगेगा। दूसरी हम देखेंगे कि वाटर सील चैम्बर में फ्लूड का फ्लक्चुएशन लगभग 24 घंटे से बंद पड़ा है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि ड्रेनेज चैम्बर में लगभग 50 ml प्रतिदिन से भी कम ड्रेनेज हो रहा है, अंडरस्टैंड। चौथी बात हम क्या देखेंगे, परकशन रिवील्स द नॉर्मल रेजोनेंट नॉट। यदि अगर आप लंग्स पर परकशन करोगे तो आपको नॉर्मली लंग्स का जो रेजोनेंस सुनाई देता है, नॉर्मल साउंड सुनाई देता है, वैसा आपको सुनाई देगा। यदि ये चारों बातें अगर पेशेंट के अंदर आपको दिख जाए तो दोस्त याद रखना आपको अब आ गया है समय चेस्ट ट्यूब्स को रिमूव करने का। क्लियर है, सीख गए क्या मेरे बब्बर शेरों? जब भी आगे बढ़ूंगा तुम कह दोगे, जब भी तुम कह दोगे नहीं सीखे तो अभी नहीं बढ़ूंगा। मेरी यही खास बात है कि हरी झंडी आपकी तरफ से दिखनी चाहिए क्योंकि एग्जाम आपको दिलाना है, लड़ाई आपको लड़ानी है। मैं तो तैयार करने वाला हूं लेकिन लड़ने तो आप ही जाओगे, राइट? इसलिए आप जब कह दोगे कि सर यस ओके बढ़ो आगे, तब आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, चारों बात कंफर्म। अब हम इधर आते हैं, प्लूरा ऑफ द एक्सपेंडेड लंग सील द होल ऑन द इंटरनल टिप ऑफ द चेस्ट ट्यूब हेल्पिंग द फ्लक्चुएशन इन द वाटर सील। दिस कैन बी एक्सपेक्टेड 2 to 3 days आफ्टर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। दोस्त यदि अगर मैं एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आपसे कहूं कि ये बताओ आप तो मुझे कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगाने के बाद कितने दिन के बाद में लंग्स एक्सपेंशन हो जाता है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो जवाब दे देना कि सर ऐसा यूजुअली 2 से 3 दिन के बाद हम देख सकते हैं। द इंटरनल टिप ऑफ द चेस्ट ट्यूब प्लूरा ऑफ द एक्सपेंडेड लंग्स सील द होल देन हेल्टिंग फ्लक्चुएशन इन द वाटर सील। दोस्त याद रहे हेल्टिंग फ्लक्चुएशन इन द वाटर सील, देन इट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर 3 to 4 days ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन या कनेक्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब्स। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, ड्रेनेज हैज बीन रिड्यूस्ड अलाउविंग द लंग्स टू री एक्सपेंड, नॉर्मल परकशन साउंड अकर्स विद द री एक्सपेंशन। रीएक्सपेंशन होने के बाद में परकशन साउंड्स आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ता हूं तो नंबर सेकंड स्टेप में हम क्या असेसमेंट हो गया, जिससे कंफर्म होगा कि ट्यूब्स को रिमूव करेंगे। अब हम प्रोसीजर को आगे बढ़ा रहे हैं तो दूसरी स्टेप में क्लैंप द चेस्ट ट्यूब फॉर 12 to 24 hours बिफोर द रिमूवल और एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही जानदार होगा कि कंफर्म होने के बाद
इंस्टेंटली, जैसे अभी आपको सारे कुछ कंफर्म हुआ कि हाँ लंग्स एक्सपेंशन हो चुका है, क्या आप ट्यूब्स को इंस्टेंट रिमूव कर सकते हो? नो. क्या प्रोसीजर होता है? तो जब सब कुछ कंफर्म हो जाता है उसके बाद 12 से लेकर 24 घंटे तक हम रिमूव नहीं करेंगे और ट्यूब्स को क्लैंप करके रखेंगे, फिर रिमूव करेंगे. तो असेसमेंट कंफर्म होने के बाद, लंग्स एक्सपेंशन कंफर्म होने के बाद कितने समय तक ट्यूब्स को क्लैंप करके रखा जाएगा? तो याद रखना, जवाब आएगा 12 से 24 घंटे. क्वेश्चन आएगा टेस्ट के अंदर, याद रखना. आउट कर रहा हूं पेपर आपके कहने से, केवल केवल आपके कहने से आउट कर रहा हूं, याद रखना, टेस्ट में आएगा. ओके. और ये भी कंफर्म रखना, बिना लेक्चर पढ़े भुगली की टेस्ट सीरीज कोई सोल्व नहीं कर सकता है. माइका लाल पैदा नहीं हुआ एक भी बता देना अगर सोल्व कर दे तो. पूरे नर्सिंग प्रोफेशन से कह रहा हूं, आप मेरी बातों को चैलेंज मानते होंगे लेकिन मैं सच कहता हूं यार. अब किसी को बुरा लग जाता है, किसी को अच्छा लग जाता है, लेकिन यार कम से कम मैं वो तो कहूंगा ना जो मैंने किया है, राइट? जो भुगली ने किया है वो तो मैं बताऊंगा ना यार. ये तो मेरा हक है कि नहीं है, आप बताओ यार. इतना तो मैं कह ही सकता हूं ना कि भैया मैंने वर्क करा है यार. तो मैंने वर्क करा है तो इसमें बुराई वाली क्या बात है यार. अब लोग कहते हैं कि यार ये सर तो ना गिनाते भी हैं. यार किया है मैंने यार, इसलिए मेरा हक है यार, मैं कहूंगा. मेरा भी तो हक है कुछ ना कुछ. ये सुनो, और मैं पढ़ा रहा हूँ यार, इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले लॉकडाउन से 1.5 महीने से पढ़ा रहा हूँ यार. मेरी पूरी दिन रात आप लोगों के बारे में सोचने में लगा रहता है. पहले लेक्चर बनाओ, नोट्स बनाओ, फिर उसको पढ़ाओ. तो पूरा लॉकडाउन मेरा 1.5 महीने का टाइम है भाई. 1.5 महीने से मैं आप ही के बारे में विचार कर रहा हूँ 24 घंटे, कि तुम्हें क्या पढ़ाना है, तुम्हें कौन से टेस्ट बना. देखिए बना के देखना 50-50 क्वेश्चन हाथ से लिख करके, और फिर उसको, उस क्वेश्चन पेपर को फिर आपको पोर्टल पे प्रोवाइड करवाना. टाइप होगा फिर, वो फिर पोर्टल पे आएगा. यार कितना काम करना पड़ता है भाई, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है. 1.5 महीने से हर एक टॉपिक के लेक्चर पढ़ाना पहले, फिर उसके बाद उसके सबके क्वेश्चन बनाना, फिर उसके टेस्ट लेना, सारे बच्चों का अरेंजमेंट करना. आज 1500 बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं, उन सबका अरेंजमेंट तो करना पड़ता होगा वुगली ऐप पर, करना पड़ता है ना यार. ये सब बातें बुरी लग जाती है लोगों को. तो यार बुरा लगने वाली कौन सी बात है भाई, यार कर रहे हैं इसलिए हमें कहने का हक तो होगा ही, कम से कम इतना सा तो हक है कि हम आपके साथ, हमारे जैसे मेरे को खुशी हुई, अब मेरी खुशी में क्या आपके साथ शेयर नहीं कर सकता? आप मेरे शिष्य नहीं हो, आप मेरे सदस्य नहीं हो बुगली के? और नहीं हो तो फिर आप आते ही क्यों हो यार? और अगर आते हो तो फिर आपका जो लीडर आपको कह रहा है उस बात को माना भी करो, फॉलो भी किया करो, कि वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं उसको फॉलो करो. अंडरस्टैंड? तो हमने कहा दोस्त कि क्या आंसर होगा, 12 से 24 घंटे बिफोर द रिमूवल हमें क्या करना है, 12 से 24 घंटे के लिए चेस्ट ट्यूब्स को क्या करना है, क्लैंप करके रखना है, फिर हम रिमूव करेंगे. ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, असेस फॉर द चेंज इन द वाइटल साइन, चेस्ट पेन और लेवल ऑफ द एप्रेहेंशन. फिजिशियन ऑर्डर द ट्यूब क्लैंपिंग बिफोर रिमूवल टू असेस द पेशेंट टॉलरेंस. एक्सप्लेन, तो इसको हम क्लैंपिंग करके क्या असेस करना चाहते हैं? क्लैंपिंग करके हम ये देखना चाहते हैं कि बिना चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के क्या पेशेंट टॉलरेट कर पाएगा. इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें 12 से 24 घंटे के लिए हम क्लैंप करते हैं और फिर उसके बाद हम रिमूव करेंगे. तो ये हम क्या असेस कर रहे हैं दोस्त? तो हम असेस कर रहे हैं पेशेंट टॉलरेंस. देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, रिड्यूस द एंजाइटी एंड प्रमोट द पेशेंट कोऑपरेशन. एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब मेडिकेशन फॉर द पेन रिलीफ अबाउट 30 मिनट बिफोर द प्रोसीजर. अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा वो मैं ये क्वेश्चन करूंगा, मुझे हर क्वेश्चन पता है कि क्या करूंगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से क्वेश्चन बनाता हूं इसीलिए मुझे पता है. अंडरस्टैंड? तो सबसे बड़ा जो अभी हम लोगों ने किया है वो सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर लिए बन गए. तो देखो क्या मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि दोस्त जब कभी भी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को रिमूव करते हैं तो उससे पहले पेशेंट को पेन मेडिकेशन देना होता है कंफर्टनेस को बढ़ाने के लिए, और वो पेन मेडिकेशन कितने समय पहले एडमिनिस्टर किए जाते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 30 मिनट?
जवाब दो, तो आप मेरे बब्बर शेर हैं अगर, तो एक ही झटके में कह दोगे कि साहब इसका उत्तर तो 30 मिनट आएगा। कितना आएगा? 30 मिनट। और अगर आप वुगली के बब्बर शेर नहीं है तो आपको ये सब की जानकारी नहीं है, तो आपका कंप्यूटर क्या बोलेगा फिर? अगर आप वुगली के सदस्य नहीं है तो आपका कंप्यूटर यही बोलेगा कि जिस क्वेश्चन का उत्तर आप मांग रहे हैं उसका उत्तर इस ब्रेन में एग्जिस्ट नहीं है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट इन माई ब्रेन बिकॉज आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ वुगली स्टूडियो। ऐसा हमारा कंप्यूटर बोलेगा यदि वुगली नहीं पढ़ते हो तो हमारा कंप्यूटर ऐसा ना बोले, इसलिए वुगली पढ़ो। मैं सबको यही कहता हूँ कि पूरे नर्सिंग वालों को यही कहता हूँ कि भैयाओ वुगली पढ़ो, मस्त रहो घर बैठ के और सीखो और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लो। फ्री सेवा चल रही है, जब तक मिल रही है लूट लो। जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन पता नहीं क्या होगा। क्लियर? तो देखो दोस्त, हमने कहा रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट और रिलैक्स द पेशेंट, असिस्ट द पेशेंट टू सिट ऑन द एज ऑफ द बेड और टू लाई ऑन द अनअटैच्ड साइड। अगला क्वेश्चन क्या होगा? मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि चास ट्यूब रिमूवल के लिए पेशेंट पोजीशन क्या होता है, कौन सा पेशेंट पोजीशन होता है जिससे चास ट्यूब रिमूव किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यार, आप कंसंट्रेशन मेंटेन करो आप बहुत अच्छे से। क्लियर? सबसे पहले हम ये कहेंगे कि असिस्ट द पेशेंट टू सिट ऑन द एज ऑफ बेड। पेशेंट पोजीशनिंग वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अक्सर आता है। पहला क्वेश्चन हम कहेंगे, पहला पोजीशन हम कहेंगे कि सिट ऑन द एज ऑफ बेड, पेशेंट को साइड में खिसका करके बेड के किनारे पर बिठा लेना है, या फिर लाई ऑन द अनअटैच साइड। जिस साइड अनअटैच साइड, पेशेंट को बेड पर या तो लिटाना है या फिर किनारे पर बिठाना है। अंडरस्टैंड? तो अगर बैठेगा लाई डाउन पोजीशन रहेगा तो फिर अनअटैच साइड, जिस साइड में ट्यूब्स नहीं जुड़ी है उस साइड पेशेंट को लेटाना है। ये पोजीशन की बात हो गई। फिजिशियन प्रेस्क्राइब द पेशेंट पोजीशन टू फैसिलिटेट द ट्यूब रिमूवल, सपोर्ट द पेशेंट फिजिकली एंड इमोशनली व्हाइल फिजिशियन रिमूव द ड्रेसिंग और क्लिप और सूचर। जब फिजिशियन ड्रेसिंग को रिमूव कर रहा हो, क्लिप्स को रिमूव कर रहा हो या फिर सूचर्स को रिमूव कर रहा हो, एट दिस टाइम यू नीड टू प्रोवाइड द फिजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट टू योर पेशेंट। आप अपने पेशेंट को फिजिकली सपोर्ट करें और साइकोलॉजिकली सपोर्ट करें। क्लियर है दोस्त? बात समझ गए आप? रिड्यूस द एंजाइटी एंड प्रमोट द कोऑपरेशन। तो देखिएगा, जानदार क्वेश्चंस बताता हूं कहां कहां से आएंगे। तो पहला जानदार क्वेश्चन, पेन मेडिकेशन कितने समय पहले, 30 मिनट आंसर आ गया। पेशेंट पोजिशनिंग फॉर चेस्ट ट्यूब रिमूवल, तो पहला आंसर आ गया है सिट ऑन द एज ऑफ बेड और दूसरा आंसर आ गया लाई ऑन द अनअटैच साइड। तीसरा क्वेश्चन आया है दोस्त कि जस्ट व्हाट यू नीड, व्हाट इज योर नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग व्हेन द फिजिशियन रिमूव द ड्रेसिंग क्लिप्स और सूचर्स। एट दिस टाइम यू आर अ नर्सिंग ऑफिसर एंड यू नीड टू फिजिकली और इमोशनली सपोर्ट द पेशेंट। क्लियर हो गया? तो यहां से 3 VIP क्वेश्चंस पुट अप होंगे। बोलो भाई। अरे भाई बोलो, बात समझ गए ना? बढ़ू क्या आगे? यस और नो? आई होप यू अंडरस्टैंड ना। बात समझ गए ना? आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। फिजिशियन प्रिपेयर्स ऑन द ऑक्लूसिव ड्रेसिंग फॉर पेट्रोलियम गोज ऑन अ प्रेशर ड्रेसिंग एंड सेट इट असाइड ऑन द स्टेराइल फील्ड। दोस, फिजिशियन प्रिपेयर एन ऑक्लूसिव ड्रेसिंग ऑफ द पेट्रोलियम गोज ऑन अ प्रेशर ड्रेसिंग। दोस्त, जो ड्रेसिंग किया जाएगा रिमूवल साइट से वो कौन सा ड्रेसिंग होगा? ध्यान से देखिए, ऑक्लूसिव होना चाहिए, पेट्रोलियम होना चाहिए, प्रेशर ड्रेसिंग होना चाहिए। तो याद रहे मेरे दोस्त,
जो ड्रेसिंग चेस्ट ट्यूब रिमूवल साइट पर अप्लाई किया जाएगा उसके तीन गुण होते हैं। पहला गुण, वो ऑक्लूसिव होना चाहिए। नंबर टू, दूसरा गुण, वो पेट्रोलियम होना चाहिए। नंबर थ्री, वो प्रेशर ड्रेसिंग होना चाहिए। ये हो गई बात किसकी? ड्रेसिंग की। बिकॉज एसेंशियल टू प्रिपेयर इन द एडवांस फॉर क्विक एप्लीकेशन टू द फंड अपॉन द ट्यूब विड्रॉल, टेल द पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट एंड एक्सहेल कंप्लीटली एंड होल्ड इट। दोस्त, जब चेस्ट ट्यूब्स रिमूव किए जा रहे हो तो पेशेंट को आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना होता है? हम हम पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या कहेंगे? टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लो। लेओ, अरे लेओ भाई, क्या देख रहे हो शक्ल मेरी? एक गहरी सांस लो, होल्ड करो अंदर, होल्ड कर लो, एक्सहेल कंप्लीटली, छोड़ो पूरी तरह से, कंप्लीटली एक्सहेल कर दो, देन होल्ड इट, और फिर इसके बाद वापस से अंदर ब्रीथ लेके होल्ड करो। दैट इज योर इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट ड्यूरिंग द चेस्ट ट्यूब रिमूवल। तो सॉन्डर्स इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। एनक्लेक्स के एग्जाम जब आप दोगे उसमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द नर्सेस इंस्ट्रक्शन व्हेन द फिजिशियन जस्ट प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर चेस्ट ट्यूब रिमूवल। तो आप कहेंगे कि सर, आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर एंड आई विल गिव अ इंस्ट्रक्शन टू माय पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट इन द लंग्स एंड देन कंप्लीटली एक्सहेल दिस एंड अगेन इंस्ट्रक्ट टू होल्ड द एयर इन द लंग्स। मैं मेरे पेशेंट को ऐसा बोलूंगा, बोल दूंगा, उसमें क्या तकलीफ है भाई? जैसा सर आप कहोगे वैसा बोल दूंगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप जैसे कह रहे हो वैसे वैसे मैं कर दूंगा। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ता हूं। प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम बीइंग सक्ड इनटू द चेस्ट एज द ट्यूब इज रिमूव्ड। ऐसा करने से क्या होगा दोस्त? इट प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम बीइंग सक्ड इनटू द चेस्ट एज द ट्यूब रिमूव्ड। यदि प्यारे बंधु आपने अगर ऐसा नहीं किया तो होगा क्या? होगा क्या? जैसे ही ट्यूब्स रिमूव करोगे ना, ये चेस्ट आपका, ये चेस्ट क्या करेगा? पेशेंट का चेस्ट एनवायरमेंटल हवा को चूस जाएगा। क्या कर जाएगा? अरे हवा चूस जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया और बिना ऐसा किए ही ट्यूब्स को रिमूव कर दिया, तो जैसे ही रिमूव करते ही चेस्ट क्या करेगा? हवा चूस जाएगा और वापिस से ओपन न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। कौन सा न्यूमोथोरेक्स? जब पेशेंट के लंग्स एनवायरमेंटल हवा को चूस जाते हैं तो इसे ओपन न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हो? ओपन न्यूमोथोरेक्स। याद रखना, फिजिशियन क्विकली पुल आउट द चेस्ट ट्यूब व्हाइल पेशेंट इज होल्डिंग हिज ब्रीथ। तो अगला जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, तैयार रहना, तैयार हो ना? मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि बेस्ट सुटेबल टाइम फॉर रिमूविंग द चेस्ट ट्यूब्स, चेस्ट ट्यूब्स रिमूव करने के लिए बेस्ट सुटेबल टाइम कौन सा है? तो आप कहेंगे कि सर सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? तो व्हाइल द पेशेंट इज होल्डिंग हिज ब्रीथ, जब पेशेंट अपने अंदर ब्रीथ होल्ड करके रखता है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है फॉर रिमूविंग द चेस्ट ट्यूब्स। क्लियर है? बोलो यार, बात समझ गए ना? आई होप यू अंडरस्टैंड ना। बढ़ू क्या आगे? प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एयर थ्रू द चेस्ट वॉल। तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से वीआईपी क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं।
पहला वीआईपी क्वेश्चन बनता है कि जो ड्रेसिंग अप्लाई की जाएगी उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ये देखो वीआईपी क्वेश्चंस, पहला गुण होना चाहिए वो ऑक्लूसिव हो, पेट्रोलियम हो और प्रेशर ड्रेसिंग होना चाहिए। दूसरा गुण कौन सा होना चाहिए? दूसरा गुण हो कि नर्सिंग एक्शन। दूसरी बात क्या है क्वेश्चन में कि नर्सिंग एक्शन वाला क्वेश्चन, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको देना है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वीआईपी क्वेश्चन, थर्ड वीआईपी क्वेश्चन ये होगा कि दोस्त क्या करना है कि कौन सा बेस्ट सुटेबल टाइम फॉर रिमूविंग द चेस्ट ट्यूब। तो वेल द पेशेंट इज होल्डिंग हिज ब्रीथ। तो ये हमारा थर्ड वीआईपी क्वेश्चन है जो आज के टेस्ट के अंदर आपको मिलने वाला है। अरे भाई हंसराज शर्मा नहीं आती क्या, ऐसी बातें करता है। अरे कौन ये क्या कर रहे हो यार, अरे क्या कर रहे हो मेरे बब्बर शेरो। तुम परिवार के लोग ही अगर लड़ने लगोगे मेरे गधे, तो फिर तुम और क्या करोगे। हाँ एमसीए की क्लासेस बोल दो या बुगली की क्लासेस बोल दो, बात एक ही है, तुम आपस में ही फाइट करने लगोगे यार, तो फिर मैं किसको पढ़ाऊंगा यार। तुम थोड़े से कॉमन सेंस तो रखा करो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब नर्सेज या कोई हमारे ही प्रोफेशन के लोग आपस में कुछ बेवकूफ जैसी बातें करने लगते हैं, बड़ा दुख होता है मुझे यार। इनका विवेक कहाँ मारा गया है राइट। तो ये सब चीजों को दी, इनसे ऊपर उठो यार, ये छिचोरी बातों से अब थोड़ा ऊपर उठ के सोचना शुरू करो आप राइट। सुनने में मेरे शब्द कड़वे तो होंगे ही होंगे हमेशा, लेकिन याद रखना ये कड़वे जो शब्द है ना ये आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे। हमें क्या करना, अब इन सब छुटपुट बातों से थोड़ा ऊपर उठ के अपनी सोच को डेवलप करना है यार। कब तक हम ये कचरे के ढेर में ही सोचते रहेंगे, हम इससे ऊपर उठे अब थोड़ा सा, अब बहुत हो गया यार, अब थोड़ा लेवल बढ़ाओ अपना, ठीक है दोस्त। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो क्वेश्चन समझ में आ गए, वरना अभी मैं पता नहीं चला जाऊंगा तो अभी आपके लेक्चर का पूरा ही टाइम खा जाऊंगा, 37 मिनट तो होगी क्लास को राइट। क्विकली अप्लाई प्रिपेयर्ड ड्रेसिंग ओवर द वुंड एंड फॉर्मली सिक्योर इट इन ट्यूब। रिमूव हो गया, ट्यूब रिमूव होते ही क्या करें, क्विकली अप्लाई द प्रिपेयर ड्रेसिंग ओवर द वुंड और फॉर्मली सिक्योर इट इन द पोजिशन ऑफ इलास्टिक बैंडेज। बैंडेज लगा दो ट्यूब रिमूव करते ही। कीप वुंड असेप्टिक और प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर इन टू द चेस्ट। वुंड क्लोजर अकर्स स्पॉन्टेनियसली और क्लिप एंड सूचर एड इन द स्किन क्लोजर। असिस्ट द पेशेंट टू कंफर्टेबल पोजिशन, अश्योर दैट द पेशेंट इज कंफर्टेबल। Remove the used equipment from the bedside or glove the hand. Prevents the spread of microorganism. दुनिया जानती है। Remove the gloves or wash the hand. दुनिया जानती है कि कोई भी हॉस्पिटल में वर्क करने के बाद हमें हमेशा ही ग्लव्स रिमूव करने होते हैं और फिर उसके बाद अपने हैंड वॉश करना पड़ता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ microorganism. हम चाहते हैं कि कोई microorganism हमें ही ना लग जाए। Observe the patient for subcutaneous emphysema. हम देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि chest tube remove करते समय air lungs में से leakage होकर के subcutaneous tissues में आकर जमा हो गई हो, और इसे कहते हैं subcutaneous emphysema. या फिर respiratory distress during the first few hour after the removal. दोस्त अगला question जो हमारा होगा कि tubes remove करने के बाद what we need to assess for the first few hours. तो हमें assess करना होता है एम्फाइसिमा के लिए और डिस्ट्रेस के लिए। प्रोवाइड फॉर द अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ फिजिशियन इफ एडवर्स सिम्टम अकर, चेस्ट ट्यूब में नीड टू बी री इंसर्टेड। असिस्ट द पेशेंट्स वाइटल साइन और साइकोलॉजिकल स्टेटस, साइकोलॉजिकल स्टेटस और वाइटल असिस करते रहे। डिटेक्ट द अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। देन चेक द चेस्ट ड्रेसिंग फॉर ड्रेनेज, एश्योर द ऑक्लूशन ऑफ चेस्ट वुंड। Records the removal of the tube, the amount of drainage in the collection bottle, appearance, wound and the dressing and patient response. Patient response also should include the vital sign, respiratory assessment.
then obtain a chest X-ray if advised by the physician. Then तो दोस्त ये था बहुत ही यूजफुल प्रोसीजर जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा है कि चेस्ट ट्यूब्स रिमूव करते हैं तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले फ्यूचर के 5 ईयर एम्स के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं वो सब हमने इसके माध्यम से सीखा है। लास्ट में फॉलो अप से रिलेटेड जानकारी देखिएगा। नोटिफाई द फिजिशियन इमीजिएटली इफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अनस्टेबल वाइटल साइन symptoms of the subcutaneous emphysema, air leakage या psychological imbalances observed. दोस्त यदि अगर इनमें से कुछ भी observe होता है तो उसमें आपको क्या करना है तो you need to notify the physician. तो हमें physician को notify करना है। दोस्त अभी केवल 5 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपकी ऐप के ऊपर इस लेक्चर का टेस्ट पेपर अपडेट हो जाएगा और टेस्ट पेपर देना ना भूलें क्योंकि मैंने आपको जो सिखाया है जब आप टेस्ट में पूर्ण मार्क्स लाओगे तभी ये साबित होगा कि जो हम आपको सिखा रहे हैं वो आपको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें हर टॉपिक का टेस्ट लेना पड़ता है और हर टॉपिक का जब तक हम टेस्ट नहीं लेंगे तब तक रियल असेसमेंट नहीं हो सकता है। दोस्त आप चाहे लिखते रहें पढ़ते रहें रजिस्टर भर दें लेकिन रियल असेसमेंट तभी होता है जब आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को अपनी आंखों से देख लेते हो अपने हाथों से उसके आंसर कर देते हो और फिर तब जाके इसे मेरे डिक्शनरी में रियल असेसमेंट कहा जाता है रियल तैयारी रियल प्रिपरेशन कहा जाता है। एमसीआई में भी कुछ इसी तरीके से मैं प्रिपरेशन करवाता हूं बच्चों को हर चैप्टर का हर यूनिट का रियल एग्जाम रिटन ऑफलाइन। कई बार तो मैं सब्जेक्टिव पेपर भी बच्चों के लेता हूं आपके भी मैं किसी दिन सब्जेक्टिव पेपर करवा सकता हूं। सब्जेक्टिव पेपर में क्या करवाऊंगा केवल क्वेश्चन आएगा ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं होगा आंसर आपको खुद टाइप करके लिखना पड़ेगा कि क्या आंसर हो सकता है इसका। इस तरह के पेपर भी मैं फ्यूचर में आपको प्रोवाइड करूंगा इस ऐप के माध्यम से। तो चलिएगा थैंक यू सो मच दोस्तों बहुत ही अच्छा लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और जस्ट अभी से आप बन जाइएगा जल्दी से आप आ जाइएगा टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा लेक्चर को तैयार कर लीजिएगा फटाफट और जल्दी से आप ऐप के ऊपर जा करके और अपना टेस्ट दे करके और अपनी नॉलेज को चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बाय बाय लव यू डियर फ्रेंड्स गुड नाइट टेक केयर योर